रामपुर चुनाव बड़ा सरगर्मी है, रामपुर की सियासत जो है पूरे मोकाम पे है। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का जिला रामपुर जो सियासी हॉट सीट माना जाता है और इस हॉट सीट पर सभी की निगाहें हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इसलिए निगाहें होती क्योंकि आजम खान का गढ़ है, क्योंकि आजम खान के गढ़ में पिछली बार दो सीटें भाजपा की थी और अब पूरा तरीके से मुकाबला है और सबकी निगाहें इसलिए भी है क्योंकि आजम खान के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितनी जगह बनाता है, कितनी सीटें निकालता है। हालांकि आंकड़े कुछ और बताते हैं, मगर मैं इस समय रामपुर के बिलासपुर विधानसभा 36 में हूं, जहां पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जो है चुनावी मैदान में है। वहीं विपक्ष में बात करें तो अमरजीत सिंह समाजवादी पार्टी से है, तो आमने सामने मुकाबला आखिर है किसका, लोगों में ये बड़ा दिलचस्प का मामला। इस समय मैं पहले लक्की ढिल्लू से शुरुआत करूंगा, यहां पर ये काफी मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? क्योंकि मैं इस समय सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ले रहा हूँ, बाद में समाजवादी वालों से लूंगा। माहौल भैया हम तो विकास के नाम पे वोट ले रहे हैं और 70% माहौल बलदेव सिंह औलख का है। हमें तो जनता कह रही है आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जितना विकास माननीय मंत्री जी ने करवाया है, विकास की बात करें तो हम गिनवा के भी बता सकते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसपे वो वोट मांगे। वो सिर्फ एक जातिवाद पे वोट मांग रहे हैं, पर हम विकास के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विकास कार्य करवाए हैं, जैसे कि 80 नलकूप आए हैं, ओवर टैंक आए हैं, 80 पॉलिटेक्निक कॉलेज आए हैं, ITI कॉलेज आए हैं, बिजली घर 5 आए हैं और एक बहुत बड़ा हम खैमरी में बिजली घर बन रहा है कि जो सप्लाई यहाँ से लेकर मुरादाबाद तक होगी। रोडों का काम चमाचम है, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, वहाँ क्या लग रहा है आपको, जनता का क्या मूड है? जनता फूलों से स्वागत करती है, बहुत खुश है। और इनकी बात रोकते हुए मैं हीरा से बात करूंगा। हीरा जी जो है बहुत खास हैं, ये भी इस चुनाव में बड़ी मेहनत में है, हालांकि क्या कहोगे क्योंकि दूसरा विपक्ष कहता है कि आपके चेहरे उतरे हुए हैं। विपक्ष में इतना दम ही नहीं है कि हमारे चेहरे उतार ले, उनके चेहरे उतरे हुए, हम तो 100% जीते हुए हैं। कोई माइके लाल में ताकत नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी सरदार बलदेव सिंह को हरा दे। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक मिनट, मैं आपको लिख के देता हूँ, 10 मार्च में आप अपनी जेब में डाले ना, सरदार बलदेव सिंह की जीत होगी, कोई माइका लाल हराने वाला नहीं है। सरदारों का वोट कहाँ है इतना, सरदारों का 80% वोट पड़ रहे हैं, वो तो अपने बहम में है कि वोट कहाँ है, वोट सब सरदार बलदेव औलख सिंह को पड़ रहे हैं। ये माननीय प्रधान जी हमारे साथ हैं सारे। प्रधान जी, अखिलेश यादव कितना बड़ा यहाँ कल रोला था, काफी पब्लिक थी, क्या पब्लिक को देख के आप ये एहसास कर सकते हैं क्या बदलाव होगा? कहाँ की पब्लिक थी, सारी पब्लिक उत्तराखंड से इन्होंने बुलवाई थी, जो भी लोग बुलाए थे, यहाँ से तो कोई आदमी गया नहीं है। आवाज भी निकल रही है भाजी, आवाज निकल, आवाज पूरी निकल रही है, बाकी 10 मार्च को पूरी आवाज निकाल देंगे। ना ना, लोग कहते हैं कि कल का मुकाबला जो था, अखिलेश यादव का प्रदर्शन था, उसमें तो मायूसी आ गई आप लोगों के। हमारे क्यों मायूसी, मायूसी तो इनकी आई है जिनकी भीड़ नहीं वहाँ जुटा पाए, 1500 लोग थे इनके यहाँ कुल। एक मुख्यमंत्री जो रहा हो उसकी अगर रैली है तो उसके मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कुल 1500 लोग जा रहे हैं, तो मायूसी किस पे होगी आप बताइए, किस पे मायूसी, किस पे होगी आप बताइए, इन पे या हमारे पे? अच्छा हीरा जी ये बताइए जी, जिस तरीके से मोदी योगी जी का कार्यक्रम यहाँ रद्द हुआ, तो उन्होंने कहा कि आसमानी जो है आसमान भी नहीं चाहता कि वो यहाँ कार्यक्रम करें। आसमान चाहे कुछ चाहे ना चाहे, लेकिन यहाँ की पब्लिक उनको चाहती है और पब्लिक ने उनको बना दिया है, यहाँ की पब्लिक ने 100% उनको मुख्यमंत्री बना दिया है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ योगी जी। और दूसरी बात मेरी और सुनिए, आप सिखों के बारे में कह रहे हो ना, सिख जितने भी है ना, ये सारे सिख हैं, किसी के बाल कटे हैं प्रधान जी, चाहे किसी के बाल कटे या पगड़ी बांधी या नहीं बांधी, लेकिन सारे सिख सरदार बलदेव सिंह औलख के साथ हैं। अच्छा क्या योगी जी नहीं आए, इसका फर्क पड़ेगा यहाँ? कोई फर्क नहीं है, योगी जी आए चाहे ना जाए, योगी जी जैसा चेहरा हमारे पास सरदार बलदेव औलख जी का, सरदार बलदेव सिंह औलख, बलदेव औलख जी को एक तरफा वोट पड़ रहे हैं। रही बात आपने सिखों की, अभी बात करी थी इनसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 90% सिख जो प्रधान है वो माननीय मंत्री जी के साथ हैं। चीमा जी से राय ले ले, चीमा जी बताओ क्या राय है आपकी, क्या लगता है इस बार, क्योंकि योगी जी नहीं आए तो इससे काफी सवाल उठ रहे हैं आप लोगों पे। कोई सवाल ऐसा है, सारी जनता योगी जी के पीछे है, योगी जी के गुणगान करती है, जो काम उन्होंने कर दिया है ना सब जनता जानती है। मैं हर बूथ पे गया हूँ, हर आदमी को मिला हूँ, योगी जी के नाम पे वोट बहुत मिल रहा है, मोदी जी के नाम पे वोट बहुत मिल रहा है, मंत्री जी ने विकास किया है, यहाँ की जनता ने दुख झेले 2017 से पहले, यहाँ की जनता जब गई थी एक मंत्री के पास
तो वहां जाके कहा था कि बिजली नहीं आती है, तो उन्होंने कहा कि वहां का जो विधायक है ना उसके उनके प्लग लगा दो, बाकी लोग समझ गए होंगे। अगर वो बाकी लोग समझने वाले समझ गए, जो उन्होंने बात कही थी वो प्लग कहाँ पे लगना है वो समझ गए। आजम 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 खान से आखिरकार बिलासपुर के सिख समुदाय के लोग आजम खान से नाराज किस बात पे, आज ये भी खोल दो आप ये बताइए मुसलमान राजी कहाँ है? जो एरो रोड था जिसका पैसा रुकवाया था जिसमें धान लग रहे थे, क्या उस पर मुसलमान नहीं गुजरता? क्या सिख अकेला गुजरता है? सारे इन्होंने काम पूरी विधानसभा के रोके थे और सारी विधानसभा ही इससे नाराज है आजम खान से खास कर। ये चुनाव तो बताते हैं कि धर्म को लेके नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, आप बताओ किसका चुनाव है ये? मैं किसान हूँ भाई साहब, मेरी थोड़ी सी खेती है। जो इस समय चुनाव मैदान में है ना अमरजीत सिंह, कभी हमारे मतलब मोदी जी ने योगी जी ने देख करके नहीं दिए योजना जो दी है, हम गरीब है, गरीबों को सभी योजना मिली। जब 2015 में गेहूँ खराब हुई थी तो अमरजीत सिंह हमारे यहाँ पर सपा के प्रत्याशी लिस्ट लेके घूमते थे, कहते हैं हरैया कला में यहाँ तो वोट नहीं मिली, मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा मिलेगा बबनपुरा में, जाके वोट लेंगे। अच्छा मुंह देख के मतलब विकास की बात होती है, आप बताओ भैया आप क्या कहोगे, किस तरीके का आपको माहौल लग रहा है? इस समय प्रदर्शन चल रहा है, माहौल तो होलक साहब के पक्ष में है, बहुत बढ़िया है। सिख समाज 80% बलदेव होलक की तरफ है और बाकी हिंदू समाज तो एक तरफ ही है। होलक साहब की जीत जो है 1000% पक्की है। आप बताओ क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जीत होना है यहाँ, मोदी जी की योगी जी की जीत होना है, क्योंकि यहाँ पर और दूसरी बात औलख साहब ने बहुत विकास कराया है, यहाँ विकास के नाम पर वोट जा रहा है जी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही वोट दे रहे हैं, वोट इस जो है विकास के नाम पर दिया जा रहा है, मगर माहौल लोग हिंदू मुस्लिम क्यों बनाते हैं? हम आपसे ही पूछते हैं, बताओ बताओ बस बोलो क्यों हिंदू मुस्लिम बनाते हैं? आप तो भगवा डाले हो, बताओ क्या हिंदू मुस्लिम पर चुनाव है? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई किसी के ऊपर चुनाव नहीं है, विकास के ऊपर चुनाव है। लोग भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठाते हैं कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में ये चीजें दिख रही है? कोई हिंदू मुस्लिम है, अपने दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम वाली अगर बात होती तो जो सिलेंडर घर घर बटा तो वो कोई मुसलमान को नहीं दिया गया तो बताइए, इन्होंने तो कह दिया था कि अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यक की बेटियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, बच्चियों के जाओ विजाफे में जो इन्होंने कहा था आपको पता ही है कि अल्पसंख्यक के बच्चों को दी जाएगी विजीफा और किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसा भेदभाव कभी बीजेपी में नहीं हुआ है। अगर मुआवजा आ रहा है तो सभी को आ रहा है, प्रधानमंत्री निधि आ रही है तो सभी को आ रही है। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? कहना यही है साहब कि जब इनकी 2017 से पहले सरकार थी उस सरकार में आज भी सब हम किसान भाइयों को याद होगा जो गेहूं का मुआवजा बटा था जी, वो केवल उन उन बूथों पे गया था जहां से समाजवादी को वोट मिले थे, ठीक है। और उसके बाद 2017 के बाद जो जब माननीय ओले जी के नेतृत्व में हम यहाँ बिलासपुर में इतना विकास कराया, किसी को ये नहीं देखा कि यहाँ से ये समाजवादी का बूथ था कोई जीता हुआ, वहाँ हम सीसी नहीं डलवाएंगे, वहाँ हम खड़ंजा नहीं देंगे, हर एक सड़क हर एक घर में अनाज जो गया है वो बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष होकर गया है, कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई सरदार देख के नहीं गया है। और इस वजह से मान सम्मान मिला है, हमें थाने कचहरी में मान सम्मान मिला है, इस वजह से प्रधान जो है हमारे जो हमें पिछली बार 1,00,000 से केवल 400-500 वोट कम मिले थे, इस बार हम 1,25,000 वोट लेके जा रहे हैं। लगातार लोगों का जो कि कहना है मान सम्मान की ये लड़ाई नहीं है, हालांकि विकास की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है, मगर इस बात से ये साबित होता है कि बिलासपुर की जनता विकास पे बात कर रही है, धर्म पे बात नहीं कर रही है। हालांकि भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हो मगर आज की हमारी इस डिबेट में इन्होंने हमेशा विकास की बात करी, धर्म की बात नहीं करी। तो मैं लिहाजा क्यू टीवी भारत के सौजन्य से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज का मुद्दा हमारा विकास का है, क्या बलदेव ओलख की शख्सियत पे वोट पड़ेगा या भाजपा की शख्सियत पे पड़ेगा या विकास पे पड़ेगा, ये आने वाली 14 तारीख बताएगी, उसके बाद 10 मार्च तक नतीजे बताएंगे। वीडियो रिलीज नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।